अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। पीसीबी का बांग्लादेश के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान, बड़ी तब्दीलियां कर दी गई। पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा और इसके अलावा चीफ सेलेक्टर ने पाकिस्तान के शानदार T20 स्क्वाड का ऐलान किया। मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यहां पर है, शर्जील खान के फैंस के लिए भी बहुत ही बड़ी खबर होने वाली है आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम आप लोगों से स्क्वाड शेयर करते हैं, इसके बाद आप लोगों को T20 शेड्यूल और टाइम टेबल भी लास्ट में वीडियो के बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। नंबर 1 बाबर आजम, नंबर 2 इफ्तिखार अहमद, नंबर 3 आसफ अली, नंबर 4 खुशदिल शाह, नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर, नंबर 6 शाहनवाज धानी, नंबर 7 की बात करें पाकिस्तान के हीरो हैं ये मोहम्मद रिजवान, नंबर 8 की बात करें वाइस कैप्टन हैं पाकिस्तान टीम के शादाब खान, नंबर 9 हारिस रऊफ, नंबर 10 की बात करें हैदर अली एग्रेसिव खेलते हैं, नंबर 11 शानदार ऑलराउंडर इबाद वसीम, नंबर 12 की बात करें सरफराज अहमद विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 13 फखर जमान, नंबर 14 की बात करें शुएब मलिक, नंबर 15 मोहम्मद नवाज़, नंबर 16 की बात करें तो यहां पर शानदार उस्मान कादर लेग स्पिनर, नंबर 17 हसन अली को बरकरार रखा गया है, नंबर 18 शहीन शाह आफरीदी। मोहम्मद आमिर और शर्जील खान के हवाले से पीसीबी का कहना है कि बहुत जल्द एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, नेक्स्ट सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ इनको शामिल किया जाएगा। आप लोगों के ख्याल में इनको शामिल करना चाहिए या नहीं, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच 19 नवम्बर को, दूसरा 20 नवम्बर को, तीसरा और आखिरी T20 22 नवम्बर को खेला जाएगा। ये मैचेस दोपहर 3 बजे स्टार्ट होंगे। कौन सी टीम जीतेगी, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।